इलाहाबाद हाईकोर्ट से इजाजत मिलने के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की टीम ने गुरुवार सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू कर दिया है। 4 घंटे बाद यानी कि 12 बजे नमाज के लिए सर्वे को रोक दिया गया है। तो आज सुबह से सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। अब दोपहर 2:30 बजे से एक बार फिर से इस सर्वे की शुरुआत हुई है। इस बार एएसआई के टीम में 61 सदस्य है यानी पिछली बार की तुलना में 40 सदस्य ज्यादा है। ज्ञानवापी परिसर को कुल 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। चारों तरफ कैमरे भी लगाए गए हैं, वीडियोग्राफी की जा रही है। लेकिन ज्ञानवापी की पश्चिम दीवार पर सबसे ज्यादा एएसआई की जो टीम है उसका फोकस है। दीवार की बारीकी से स्कैनिंग की जा रही है, कलाकृतियों को देखा जा रहा है। तो आज सर्वे का पहला दिन है और एएसआई की टीम अपना सर्वे लगातार कर रही है। लेकिन इस सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के 7 सदस्य तो ज्ञानवापी परिसर के अंदर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस परिसर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे ये सर्वे रुक गया था और 2:30 बजे एक बार फिर से सर्वे शुरू हुआ है। ज्ञानवापी परिसर का जब सर्वे हो रहा है तो परिसर के अंदर कितने लोग मौजूद है पवन? जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, हाई कोर्ट का आदेश मिलते ही ज्ञानवापी का जो सर्वे है वो एसआई टीम वो कर रही है। अगर बात की जाए पूरे सदस्यों की तो इस बार जो सदस्यों की संख्या है वो 61 सदस्यों की संख्या है। मतलब अगर पिछले 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 दिनों की बात की अगर तुलना की जाए तो करीब 40 सदस्य इस बार ज्यादा है। हालांकि इस बार पूरे जो सदस्यों की संख्या वो 61 कर दी गई है और इस पूरे ज्ञानवापी परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और पश्चिम दीवार पर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और वहां पर जो कलाकृतियां बनाई गई है उन पर भी जो है बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। तो जो सर्वे है, अगर सर्वे की बात की जाए तो आज जिस तरीके से, चूंकि आज शुक्रवार का दिन और सर्वे जिस तरीके से चल रहा था तो दोपहर 12 बजे सर्वे को रुक गया, चूंकि नमाज का वक्त था और नमाज के बाद करीब 2:30 बजे से सर्वे फिर से शुरू कर दिया गया। लेकिन देखिए पवन, इस सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष तो परिसर के अंदर मौजूद रहा लेकिन मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं इस सर्वे के लिए परिसर के अंदर मौजूद नहीं था, इसकी वजह क्या रही? चूंकि जब हाई कोर्ट ने अपना इस मामले पर अपना फैसला दिया है तो मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। शायद यही सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि जब सर्वे चल रहा है तो वहां पे हिंदू पक्ष के लोग हैं लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि चूंकि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल, देखिए पवन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है, उसको लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है फिलहाल आपको? हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है लेकिन यह कहा जा रहा है कि जल्दी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसका भी फैसला सामने आ जाएगा और इस पर किस तरीके की बातें होंगी निश्चित रूप से वो हम सबके सामने होंगी। देखिए पवन, एएसआई सर्वे की शुरुआत तो हो चुकी है और सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए कितने दिन का समय टीम को दिया गया है? चूंकि देखिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद से एसआई की टीम सर्वे कर रही है और आज सर्वे का पहला दिन था। 12 बजे के बाद सर्वे रोक दिया गया है और जब 2:30 बजे नमाज के बाद फिर से सर्वे शुरू हो गया, किस तरीके से टीम वहां पर सर्वे करेगी, किस तरीके से जांच सौंपेगी और कितने दिनों का समय है इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जल्दी एसआई की टीम सर्वे करेगी और अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अब किस तरीके से जांच रिपोर्ट सौंपेगी निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनाव से पहले सियासी शोर